दोस्तों व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की घोषणा के बाद सिग्नल ऐप को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सिग्नल ऐप को इतने लोग अचानक से इस्तेमाल करने लगे हैं कि उसका सर्वर ही डाउन हो गया है। इसके बारे में खुद सिग्नल ने ट्वीट करके कहा है कि अधिक यूजर्स होने के कारण वेरिफिकेशन कोड में दिक्कत आ रही है। हालांकि इसके लिए हमारी टीम काफी ज्यादा मेहनत से काम कर रही है। दोस्तों सिग्नल ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप फ्री ऐप की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, सिग्नल ऐप को व्हाट्सएप के सबसे बड़े विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर टेलीग्राम का भी नाम आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी और परमिशन के मामले में सिग्नल ने सबसे सबको पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में डिटेल्स में। दोस्तों सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरह एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है, जिसे आप विंडोज, iOS, मैक और एंड्रॉयड डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल ऐप का स्वामित्व सिग्नल फाउंडेशन और सिग्नल मैसेंजर LLC के पास है और एक यह नॉन प्रॉफिट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये जो ऐप है, ये ऐप कोई विज्ञापन से अपनी कमाई नहीं करता है, बाकी इसके ऊपर लोग डोनेशंस देते हैं जिससे इनकी कमाई होती है। तो ऐप को अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर मार्क्सी मार्लिन स्पाइक ने तैयार किया है और यही फिलहाल सिग्नल मैसेंजर ऐप के CEO भी हैं। दोस्तों सिग्नल ऐप की जो टैगलाइन है वो है से हेलो टू प्राइवेसी। दोस्तों इसकी फीचर्स की बात करें तो सिग्नल ऐप भी व्हाट्सएप की तरह ही है और इसके जरिए आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फोटो वीडियो आदि शेयर कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप में सिर्फ 150 मतलब 150 लोगों को ही अधिकतम जोड़ा जा सकता है। सिग्नल ऐप के साथ एक दिक्कत यह है कि इसका डाटा गूगल ड्राइव या किसी अन्य क्लाउड पर स्टोर नहीं होता है। ऐसे में यदि आपका फोन खो गया है तो आप चैट का बैकअप नहीं ले पाएंगे। सिग्नल ऐप में ग्रुप बनाकर आप सीधे तौर पर किसी को उसमें ऐड नहीं कर सकते। जिन्हें आप ऐड करना चाहते हैं सबसे पहले उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद वे चाहेंगे तभी आप उन्हें ग्रुप में ऐड कर पाएंगे, समझ रहे। इसमें भी डिलीट फॉर एवरीवन का फीचर्स है। अब बात करते हैं कि हाँ सिग्नल ऐप कितना सिक्योर है। सिग्नल ऐप की सिक्योरिटी की तारीफ व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन भी कर चुके हैं। दोस्तों ब्रायन एक्टन 2017 में व्हाट्सएप को अलविदा बोल दिए थे और उसी दौरान सिग्नल में $59 मिलियन, समझ रहे हैं, 59 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी थी। अमेरिका की खुफिया सूचनाएं लीक करने वाले और जाने माने विल्स ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने भी सिग्नल ऐप को बेहतर बताया है। सिग्नल व्हाट्सएप के मुकाबले इसलिए भी अधिक सुरक्षित है क्योंकि व्हाट्सएप के सिर्फ मैसेज और कॉल ही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, जबकि सिग्नल का मेटा डेटा भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। दोस्तों ऐप स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक सिग्नल ऐप अपने यूजर्स का कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है। सिग्नल ऐप सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर लेता है क्योंकि इसी के जरिए आपका सिग्नल अकाउंट ओपन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप हम लोगों से यूजर से 16 तरह की जानकारी जो एक्सेप्ट करवाता है। तो ये सारी डिटेल्स थी आपके सिग्नल्स के बारे में। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपका क्या विचार है, व्हाट्सएप को आप डिलीट करना चाहते हैं, सिग्नल को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सिग्नल ऐप तो इस हिसाब से बेहतर है, तो क्यों ना सिग्नल का ही यूज़ किया जाए। तो ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो में ये चीज़ ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।